डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में आज एक युवक पर दिन दहाड़े और बीच बाजार एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कुचामन सिटी के स्टेशन रोड पर एसबीआई बैंक के पास एक चाय की थड़ी पर बैठे इकबाल खान उर्फ भानु पर आज कुछ युवकों ने हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर कुचामन सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हमले में घायल हुए इकबाल को कुचामन के जिला अस्पताल पहुंचाया और पीड़ित का मेडिकल मुआयना करवाया। इस मामले में पीड़ित इकबाल ने पुलिस को रिपोर्ट दी है, जिसमें उसने बताया है कि वह आज एसबीआई बैंक के पास एक चाय की थड़ी पर बैठा था, तभी अचानक वहां यूसुफ और मजीद नामक व्यापारी अपने हाथों में हथौड़ा और अन्य हथियार लेकर आए और गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से इकबाल पर हथौड़े से हमला कर दिया। इस हमले में इकबाल के सिर, हाथ और पैरों में चोट आई है। बताया जा रहा है कि इकबाल उर्फ भानु व आरोपियों के बीच पुरानी रंजिश है और उसके चलते इकबाल पर हमला किया गया है। कुचामन पुलिस उपाधीक्षक अरविंद विश्नोई ने पुलिस थाने में पहुंचकर इस मामले की जानकारी ली और कहा कि मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एसबीआई बैंक के सामने लड़ाई झगड़े की इत्तला पर मैं जाप्ता के वहाँ पहुंचा था। वहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठी हो रही थी, जिसमें एक इंजर्ड था इकबाल उर्फ भानु भाट, उसको साथ में लेकर राजकीय चिकित्सालय में गए। राजकीय चिकित्सालय में मेडिकल करवाने के बाद भानु भाट ने लिखित रिपोर्ट पेश की है, जिसमें 115 क्लोज टू, 126 क्लोज टू, 303 क्लोज टू और 352 बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान हेड कॉन्स्टेबल गोपाल के हवाले किया है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दोषियों के खिलाफ